अंतागढ़ में पहले चरण का मतदान जारी है। आम लोगों के साथ साथ मतदान करने प्रत्याशी भी पहुंच रहे हैं। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी विक्रम उसंडी ने बोंधनार में मतदान किया। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 20 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस बार लोगों में अपने अधिकार के प्रति ज्यादा जागरूकता देखने को मिल रही है। स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता दिलीप साहू ने डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अर्जुनी पहुंचे, जानिए क्या कह रहे हैं क्षेत्र के मतदाता। इस महापर्व में शामिल होने लोग आ रहे हैं, काफी उत्साह है लोगों में। अभी हम लोग डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अर्जुनी गांव में हैं। यहाँ देख सकते हैं काफी लंबी लाइन है, अभी भी दोपहर के करीब 2 बज गए हैं, इसके बावजूद भी लोगों में खासा उत्साह है, खास करके महिलाओं में, युवाओं में, और सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और इन लोगों से चर्चा करेंगे, जानेंगे। इस बार फर्स्ट टाइम आप वोटिंग कर रहे हैं गुड़िया जी, कैसा लग रहा है? मतलब जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है, फर्स्ट टाइम वोटिंग डालने का। ये हर नागरिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है कि हम अपने वोट का सही तरीके से उपयोग करें। जी जी। जैसे वोटिंग डालने जा रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या, पार्टी देख के जा रहे हैं, चेहरा देख के जा रहे हैं, मुद्दे? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब युवाओं के लिए सबसे बड़ा वो है कि हम भविष्य में क्या करना चाहते हैं। तो जैसे रोजगार की जो व्यवस्था है वो कौन दे रहा है, ये हम लालच के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, हमारे भविष्य को जो सुधारेगा उसके लिए कर रहे हैं। और कुछ युवा साथी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। भाई आप भी मतदान करने आए हैं, कैसा लग रहा है और क्या क्या विशेष है इस बार, क्या मुद्दा रहा है आपके हिसाब से, जिस मुद्दे पे आधार पे आप वोट करने जा रहे हैं? मेरे ख्याल से तो दिखता है तो जो भी है वो किसानों के ऊपर है, चाहे बीजेपी वाला हो चाहे कांग्रेस वाला हो, किसानों को लेकर ही जो घोषणा पत्र जारी किया है उनमें उन्हीं का ज्यादा दिख रहा है। और दूसरा है जो युवाओं के लिए जो रोजगार के लिए की जो बात की जाती है वही दिख रहा है। जो घोषणा पत्र घोषणा किए हैं दोनों पार्टियों ने, वो लगता है कि वो पूरा करेंगे जीतने के बाद? अब अभी तक तो सभी टाइम में पूरा तो हुआ नहीं है, अब देखो इस बार अगर होता है तो अच्छी बात है। आप भी आए हैं, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? तो महिलाओं का और पुरुष का दोनों प्रोत्साहन बहुत अच्छा है, और जो विकास के कार्य को जो लोग प्रारंभ किए हैं ना उसको करूंगा बोला है, लेकिन चुनाव के बाद जब करेगा तब पूरा पता चलेगा। आप भी हैं, ग्राम पटेल हैं, आप कैसा लग रहा है, कितनी बार हो गया आपको वोट डालते हुए? मेरे को तो बहुत टाइम हो गया भाई, कारण के शुरू सपन डालते ही आ रहे हैं। एक्टिव हो आप राजनीति में बड़ी? हाँ हाँ। कैसा लग रहा है इस बार, किस तरह का माहौल है? ये माहौल तो अभी दोनों तरफ एकदम बराबर चल रहा है, बराबर है, मतलब दोनों का प्रत्याशी लोग, दोनों प्रत्याशी आए थे प्रॉपर में? हाँ, दोनों प्रत्याशी आए थे, टोटल 12 प्रत्याशी है, बाकी प्रत्याशी नहीं प्रचार के आए, सिर्फ 2 ही जने आए थे। हाँ हाँ, देख सकते हैं सारे प्रत्याशी नहीं आ पाए हैं, लेकिन कुछ लोग मतदान कर चुके हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। जी जी, काफी बुजुर्ग हैं आप, हो चुका है मतदान कर लिया? नहीं अभी जाऊंगा। ऐसे आप जाएंगे? जी जी, ये युवा साथी है, फिर भी आप जा रहे हैं तो क्या ध्यान में रहेगा, किस आधार पे वोट करेंगे, मतलब क्या पूछ रहे हैं? ये दोनों पार्टी अपना अपना घोषणा पत्र जारी किए हैं, तो घोषणा पत्र मायने रखता है कि जो जो यहाँ के विधायक बनेंगे उनका चेहरा देख के वोट करेंगे, कि जो पार्टी है उसका निशान को ज्यादा मायने रखता है, क्या मायने रखता है आपके लिए ये सब? तो मेरा समझ पूछो, मैं दिल में हो जो कर लूंगा मैं, बात ठीक है। ये युवा साथी लोग हैं, शायद आप वोट कर लिए ना, कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आधार रहा वोट का? वोट का ये रोजगार वाला है और किसान, दो ही मुद्दा मेरे लिए। दोनों पार्टियां अपने अपने तरफ से घोषणा पत्र भी जारी किया, अभी युवा है, कैसा लग रहा है वोट करके? बढ़िया लग रहा है वोट करके। ये घोषणा पत्र जारी करते पहुंच पाया आप लोगों तक? हाँ बिल्कुल पहुंच पाया, और दोनों पक्ष के घोषणा पत्र को पढ़ के ही हमने अपनी विचार विमर्श करके वोट मतदान किया है। घोषणा पत्र का असर है? असर है बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ फर्क पड़ता है, देख सकते हैं। घोषणा पत्र लोगों तक पहुंच रहा है, उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और वे उसके हिसाब से मतदान कर रहे हैं। ये युवा साथी है, पहली बार वोट किए, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। पहले अंदर गए तो क्या पहले से मन में बना के रख लिए थे कि किसको वोट देना? नहीं, वहीं जाके दी। अच्छा, वहीं जाके तय किए? ठीक ठीक, क्या रहा आपका, क्यों, किस तरह से सोचे, और वोट देने के पहले क्या था दिमाग में? पत्र था ना, रोजगार भी सभी के लिए अलग होना चाहिए। जो आपका विधायक है, जो विधायक बनेंगे चुन के आएंगे, उनसे क्या उम्मीद है आपको,
क्या चाहते हैं, क्या करे विधायक? लड़का मन बड़ बेरोजगार है बाबू, मन नौकरी में लगाए, सब पढ़े लिखे बैठे बैठे है, सब लग काम बुता मिले। डाल रहे अपन वोट? नहीं जात हूँ। जात है, ठीक ठीक बढ़िया। ये भी सियान बैठे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है सर, अभी जो माहौल चल रहा है ना, वो क्या है उसके माध्यम से है, घोषणा पत्र के आधार पे हो रहा है जो भी हो रहा है। हाँ, और तो अच्छा है सर, अच्छा पड़ रहा है। और सब प्रत्याशी लोग आए थे प्रचार करने? जी आए थे, हाँ आए थे पूरा प्रचार। ये देख सकते हैं काफी उत्साह है लोगों में, और एक अवेयरनेस है, जानकारी है कि कौन से पार्टी से कौन है, और उनकी घोषणा पत्र को लेकर भी जानते हैं। और निश्चित तौर पे ये जिस तरह से अवेयरनेस दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मतदान सही दिशा में करेंगे, और इन्हें उम्मीद है जिस प्रत्याशियों के चुनेंगे ये उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे। इस तरह के उम्मीद के साथ अपना मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं, और हम ये उम्मीद जताते हैं कि जो भी विधायक चुन के आए वो इस क्षेत्र का विकास करे, इन जनता की जो उम्मीद है उन पर खरा उतरे। कैमरा पर्सन गुपेंद्र के साथ डोंगरगांव से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।